हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा बद्रीनाथ धाम। चमोली जिले में समुद्र तल से 3,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ उत्तराखंड के चार धामों में से एक है। साथ ही ये देश के चार धामों में से भी एक धाम है। यहां भगवान विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा की जाती है। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए देश दुनिया से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ट्रेन, बस और अपने निजी वाहन के साथ साथ देहरादून तक हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। यहां से आगे की यात्रा सड़क मार्ग से तय की जाती है। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए पौड़ी जिले के श्रीनगर में धारी देवी का मंदिर महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहां से करीब 145 किलोमीटर दूर चमोली जिले के जोशीमठ विकास खंड में स्थित है भगवान नरसिंह का मंदिर। नरसिंह मंदिर भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन गृह माना जाता है। बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। ये ऐसा धार्मिक स्थल है जहां नर और नारायण दोनों मिलते हैं। हिमालय के सबसे प्राचीन तीर्थों में से एक बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के बाहर खूब चहल पहल रहती है। छोटी छोटी दुकानों में पूजा सामग्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रतीक चिन्ह, ऊनी वस्त्र आदि मिलते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में चार भुजाओं वाली काले पत्थर की बहुत छोटी मूर्ति है। यहाँ भगवान श्री विष्णु की शालिग्राम से निर्मित मूर्ति पदासन की मुद्रा में विराजमान है। इस धाम की महिमा का वर्णन सभी मुख्य शास्त्रों में पाया गया है। मुख्य मूर्ति के पास अन्य कई मूर्तियां हैं, जिनमें नारायण, उद्धव जी, कुबेर और नारद जी की मूर्ति प्रमुख है। बद्रीनाथ में गर्मियों में औसतन तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अक्टूबर में तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है। नवंबर दिसंबर में ठंड बढ़ने से रात को तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है। दिसंबर और जनवरी में यहां का तापमान माइनस में रहता है, जबकि गर्मी और बरसात के महीनों में आमतौर पर 10 से 16 डिग्री का तापमान दर्ज किया जाता है। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों को अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य लाने की सलाह दी जाती है। किसी चमत्कार की तरह बद्रीनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर तप कुंड में साल भर गर्म पानी आता है। तप कुंड को भगवान अग्निदेव का निवास स्थान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तप कुंड में स्नान करने पर शरीर रोग मुक्त हो जाता है। हर साल अक्टूबर नवंबर में राज्य के चार धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाते हैं और 6 महीने बाद अप्रैल या मई में ज्योतिषीय गणना के बाद कपाट खोले जाते हैं। श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की गणना विजयादशमी के दिन की जाती है। कपाट बंद होने के समय मंदिर को कई टन गेंदा फूलों से सजाया जाता है। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नजदीकी नारद कुंड से मिलकर मूर्ति को स्थापित किया था। हालांकि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, लेकिन मंदिर के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ आने वाले तीर्थयात्री भगवान बद्रीनाथ के आशीर्वाद के साथ
दिव्य अनुभूति लेकर वापस लौटते हैं। गढ़वाल स्काउट के जवानों की बैंड की मधुर धुन के बीच बद्रीनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं। बद्रीनाथ धाम को मुक्ति धाम भी कहा जाता है। कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए औद्री, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। देवभूमि उत्तराखंड देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इसे देवताओं की भूमि कहा जाता है। कई प्राचीन ग्रंथों में उत्तराखंड के पवित्र स्थानों का वर्णन किया गया है। इसीलिए हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री इस देवभूमि के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आप भी भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए एक बार अवश्य आएं और यहाँ की आस्था की दिव्य अनुभूति का आनंद लें।